విలసతి పురతకాశాపతిమాత్రం చిత్రం కలితమతిమనాయసాం పారుక్ష్యం సంతగత్ పరిపూర్ణపరిజ్ఞానపరితృప్తిమతే విష్ణవే విష్ణవే తుభ్యం కృష్ణనామృతే నమః. పరమేశ్వర అనుగ్రహ विचार का हृदय परमेश्वर का अनुग्रह और विचार का हृदय इसका अधिकरण है अंतकरण. वही अनुग्रह का भी ग्रहण होता है और वही विचार का भी. परमेश्वर किसी पर अनुग्रह न करे तो उसमें दोष आता है, और किसी किसी पर करे तो वैषम्य दोष आता है, और सब पर करे तो लोक लीला का लोप हो जाता है. इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह तो सबके ऊपर है, ये सही है. सूर्य की रोशनी सबके ऊपर पड़ती है, लेकिन कोई देर पड़ता है तो चोरी करता है. इसलिए जिसके ऊपर विशेष अनुग्रह भगवान का बरसता है उसके जीवन में सत्कर्म का उदय होता है. क्रियाकलाप धर्मानुकूल होने लगे तो संभव भगवान का अनुग्रह है. वासना ईश्वर के अनुकूल होने लगे तो संभव है ईश्वर का अनुग्रह आया. स्थिति शांत होने लगे तो संभव ईश्वर का अनुग्रह. इस शांत तक को संसात्मक अवस्था. संसात्मक माने जहां जीव फंसा हुआ है, अधर्म से छुड़ाकर कर्म में स्थिति हुई, दुर्वासना से छुड़ाकर सद्वासना में स्थिति हुई, विक्षेप से छुड़ाकर शांति में स्थिति हुई. यहाँ तक तो प्रपंच की ओर से मुंह मोड़ना, पर ये विचार जो है ये परमात्मा की ओर मुंह है. विचार किसका? विचार का विषय होता है. किसका विचार? देखो इतना खंडन मंडल प्रधान ग्रंथ, खंडन खंड खाद्य, खंड खाद्य माने लकड़ी होता है. आयुर्वेद में एक तरह से लकड़ी का वर्णन है, एक मोदक उसको खंड खाद्य बोलते हैं. खंडन के मोदक लकड़ी का, उसमें ये श्लोक आया ईश्वरानुग्रहादेव पुंसा मध्वय के बाद. क्या ईश्वर की बड़ी कृपा हो, बड़ा अनुग्रह हो, तब मनुष्य के मन में अद्वैत भावना उदय होती है. महत भय परिग्रह, उसके लिए जो महान संसार का भय है इससे अच्छा हो जाती है. बहुतों को मैंने बोली इसका दो तरह के पाठ माना है. महत भय परिप्राणार्थ विप्राणा हो जाए और महत भय परिप्राणा विप्राणा हो जाए. महत भय परिप्राणा विप्राणा हो जाए. दो तीन व्यक्तियों को
अच्छा लगता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् विपश्यते जगतामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। वो इसके मन में जस्तु विज्ञानवान भवति मनस्कः सदा श्रुति सतु तत्पदमात्मति यस्मात् भूयो न जायते। जो वाचिक ज्ञान में नहीं बचता हो और ज्ञान प्राप्त करता जाए और उसका प्रयोगात्मक अनुभवात्मक साक्षात्कार भी करता जाए, केवल आकाश में ठेला फेंकने से न धर्म पर निशाना लगता है। ये जो शब्द है ना शब्द, ये आकाश में ठेले फेंकना है, शब्दों का ठेला आकाश में फेंकते हैं तो नहीं। विज्ञान है, विज्ञान उसका प्रयोग से है। कर्मकांड में इसका अर्थ होता है कि केवल आप उस किताब में पुस्तक में कर्मकांड का ज्ञान मत प्राप्त कीजिए। कुंडली कुंड बनाइए, बनाने वालों को देखिए कैसे बनता है, अपने स्थापन कैसे होता है, पुष्कंडिका कैसे होती है, आहुति कैसे दी जाती है, उसका प्रयोगात्मक विज्ञान होता है। प्रयोगात्मक विज्ञान होता है और जस्तु विज्ञानवान पहले से ही ये देखना है, ये आदमी केवल जानकारी रखता है शब्दात्मक कि धर्मानुष्ठान करने का सामर्थ्य भी है, अनुष्ठान निश्चित है, यहाँ से प्रारंभ होता है। परमेश्वर की उपासना जस्तु विज्ञानवान है, उपासना के बारे में जानकारी बहुत है, ऐसी 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 कि कभी कुछ करके देखा भी है। जो तर्क के तक ज्यादा खंडन मंडन करते हैं उनको मालूम नहीं है कि ऐसे ऐसे मन आप तो आश्चर्य करोगे, विज्ञान के युग में ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं कि वो प्रत्यक्ष वस्तु को ला के पटक देते हैं। अब एक बार नहीं अनेक बार देखता है, दूसरों का भी देखा है अपना भी देखा है। वो मंत्र की शक्ति से जड़ वस्तु का संचालन होता है, दूर की वस्तु निकट हो जाती है, परोही वस्तु प्रत्यक्ष हो जाती है। मंत्र की शक्ति संकल्प की शक्ति ये केवल शब्द ज्ञान नहीं होता है, विज्ञान होता है। तो जो यहाँ से शुरू करे ना विज्ञान, योग का विज्ञान, अरे समाधि में यही होता है। और क्या होता है, इतना ही होता है, मन शांत हो जाता है। नहीं भाई, जरा शांत करके देख, इसका अर्थ होता है विज्ञान। और समनस्कः का अर्थ है जब हम अपने मन से कहें कि बेटा यहाँ बैठ जा, तब वहाँ बैठ जाए और कहें अब खड़े हो जाओ, पर खड़ा हो जाए, कहें कि अब सो जाओ तो सो जाए। इन्हें हमारा मन ये है, हमारी रुचि ये है। आजकल जो एक प्रश्न चली है ना, तो भाई तुम्हारा तुम्हें पसंद क्या है, तुम्हारी रुचि क्या है, आओ उसकी जांच कैसे करो। मैंने जो तुम्हें पसंद है, जो रुचि है तुम्हारी, उसके विपरीत तुम्हें मन काबू में करना है कि मन के अनुसार चलना है, उसका मन होगा। मन पर लगाम लगनी चाहिए, वो मन को एकाग्र करना उतना आवश्यक नहीं है कि एक चीज में लग गया। किस कामी का मन काम भोग में नहीं लगता है, किस क्रोधी का, किस द्वेषी का मन शत्रु में नहीं लगता है, किस लोभी का मन धन में नहीं लगता है। मन तो लगता ही है, एक जगह तो सबका मन लगता ही है। विशेषता तो ये है कि जहां हम लगाना चाहें वहां लगाएं। हम कहें यहाँ से हट जाए तो हट जाए, हम कहें यहाँ सच जाए तो सच जाए। मन का वशीकरण जो है, मन का वशीकरण साधन का फल है, मन का कहीं लगना साधन का फल नहीं है। सदन
अरे भाई हमारा मन तो लग और हमारा चला चल कर नहीं है, मन मुट्ठी से बाहर हो गया। अच्छे काम में भी मन का अपने काबू से बाहर होना साधन नहीं है, साधन है। जब हम लगा हम अपने हाथ को कहे हैं तो देता आओ बैठ, तो हम जब तक न हटावे हटने को न दे तब तक हटे नहीं, हट जा बिल्कुल, कोई चीज छूना नहीं उतनी देर तक, तो हाथ की क्या बजाल चीज को छू ले। तो ये बात लोगों के ध्यान में नहीं रहती है कि हमारा मन काबू में हो, ये मन ये बात आ जाती है कि हमारा मन तो हमारी भावना के अनुरूप वस्तु में एकाग्र हो जाता है। उसमें तुम्हारा पौरुष क्या हुआ, वो तो तुम मन के अधीन हो गए, मन के काबू में हो गए, हमारा मन इतने नहीं है। तो तुम मनोमुक्ति हो, जो मन करता है वही करने को तैयार हो, तुम दुर्मुख नहीं हो, तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है। आजकल जो एक साधना का प्रवाह आया है वो मनोमुक्ति है, उसमें मन वश में नहीं होता है, मन एकाग्र भले हो जाता हो पर मन वश में नहीं होता है, हमारा मन इन सब बातों में नहीं लगता, नहीं लगता तो तुम मन के पराधीन हो। जहाँ गुरु कहे, जहाँ शास्त्र कहे, जो विवेक के अनुरूप हो वहां मन लगना चाहिए, ये वेदांत की साधना है। जान बुझ कर सब अनर्थ का जस्तु विज्ञानवान भवती सब अनर्थ सदा शुद्धि हमेशा पवित्र रहता है। जब तक अपने को ही अपनी पवित्रता का अनुभव न हो तब तक दूसरे लोग चाहिए जिनको जितना जितना पवित्र समझे उस पवित्रता की कोई कीमत नहीं। सदा सूची का अर्थ है विविध रूप से अवस्था, है ना, विविध रूप क्या होता है, हम अपने को जो समझते हैं विवेक के द्वारा उसी रूप में बैठे, जो विवेक के विरुद्ध रूप है उसमें न बैठे। सदा सूची का तो सूचिका क्या है, सूचिका है अपना विविध रूप। हम ब्राह्मण ठीक है, आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की तरह रहते, सूची है आप, हम सन्यासी हैं और ठीक है बहुत, आप सन्यासी की तरह रहिए, तो हम करता हैं तो ठीक है, तो आप कर्म सीखिए, आप पाप से करता है तो कौन भी करता है, अपने को पवित्र रखने के लिए आप त्रष्टा ठीक है, तो आप कभी तादाद में अपन मत होगी संग मत कीजिए। ये हमारा मतलब नहीं है कि आप क्या, आप क्या हैं वो तो स्वयं समझिए, है ना, आप तो अनुभव करते हैं कि आप भगवान के साथ, तो हर समय दास के रूप में रहिए, इतना स्वीकार कर हर काम में हम दास के ही कर रहे हैं ये अनुभव होना चाहिए, वो ये स्थिति होनी चाहिए। अच्छा इसमें कौन ठीक है, अगर आप किसी से पूछें तो इसका उत्तर है ये सब संप्रदाय अनाथ वेद मूलक है ना, तो ये सब ब्राह्मणत्व धारण करके पवित्र कर्म कीजिए, सन्यासित्व धारण करके त्याग वैराग्य पूर्वक रखिए, सात बन करके भगवान की उपासना कीजिए, और योगी बन करके आप शांत रहिए, आप शाश्वत जीव के रूप में रहिए, कौन मना करता है, आपको वही पसंद है तो वही रहिए, आप विशेषण विशेष भाव को भी अगर ठीक समझते हैं तो रहिए भगवान को विशेषण कर्म करके, विशेषण माने हो जैसे हृदय में नीतिमा होती है ऐसे भगवान में दो रंग, एक जीव का रंग है और एक दुनिया का रंग है, ये दोनों भगवान के एक अपनी बेकर लेकिन नित्य बेकर ऐसा मान, ये संप्रदाय के नाते विशेषण विशेष के बाद नीलों का कर सकते,
नीलम कमलम कमल तो बोले भाई एक परमात्मा है, उसके दो विशेषण हैं, उसका सूक्ष्म शरीर जीवात्मा है और उसका स्थूल शरीर प्रपंच है। तो ठीक है, आप अगर विशेषण बन करके उसका अपनी विशेषता देखना पड़ता है, विशिष्ट दो आपको एकदम विशिष्टता को एकदम, तो आप यदि विशेषण बनकर रखना चाहते हैं तो विशेषण बनकर रहिए, आप सखा बनकर रहना चाहते हैं तो नित्य सखा बनकर रहिए, नित्य दास बनना चाहते हैं तो नित्य दास बनकर करिए, इसमें कोई रोक नहीं है। ये भी एक अनादि संप्रदाय है, ये भी एक वैदिक है, परंतु ये भी देश का परम तात्पर्य है, ये बात दूसरी है, उस संप्रदाय में किसी को माना जाता है। ठीक है, पर आप जैसा आप अपने को जानते हैं विविध रूप अपना उसमें रखिए और जो गुरु का दृष्टा दे दो बाबा, हम करता नहीं है, प्रकृति हमारे सामने नृत्य करती है, शांति है, आप यदि अपने को दृष्टा समझते हैं तो देखते रहिए, परंतु रागानुपत्ति राग को उपहन न होइए, आप रागी मत बनिए, आप द्रोही मत बनिए, यही आपका विविध रूप का होगा, सदा सुखी रूप का होगा और वही सब धर्म जो है इसको मिटाने के लिए वही विश्वास मत ये सदा सुखी सतु तक पदमाप होते जनमार्ग भी हो न जाए, उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये साधन है। आप अपने को जो मानते हैं उसके अनुरूप काम करते हैं कि नहीं, तब आप पवित्रता का अनुभव करेंगे और नहीं तो कोर हो जाएगा आपकी मान्यता में गंदे हो जाएंगे। सिर्फ श्रीमद् भागवत में स्वीकृत शब्द का प्रयोग बार बार आता है, स्वीकृत हो जाएगा, आप मानते हैं कुछ और बैठते हैं कहीं, आपका मकान है कहीं बैठते हैं चंदू खाने में, और स्त्री का अपना घर है कहीं बैठती है बाजार में, तो सदा सूची कार से आप अपने को जिस रूप में समझते हैं उस रूप में बैठने का अभ्यास कीजिए, तब आप जब आप अपने को ब्रह्म समझेंगे तो ब्रह्म समझते ही ब्रह्म हो जाएंगे, और पहले से ही यदि आप विविध रूप में सदा सुखी नहीं है, अन्य में अन्य का स्पर्श ही अशुचिता है, एक में दूसरे का मेल पराधी है, ये शैव दर्शनों में ये प्रसंग आया है, पहले वैष्णव दर्शनों का निरूपण है सर्व दर्शन संग्रह में और फिर शैव दर्शन होता है, तो शैव ने ये अंश उसमें पराधीनता का दोष है, उसमें स्वच्छंदता का दोष है, स्वच्छंदता का गुण ये इस तरह से सभी पर परमात्मा होगी उसको पर प्राप्त होता है, जस्मात गुण जाए है जहाँ से फिर जन्म है। ठीक इसी साधना को व्यतिरेक से ही वर्णन किया, यस्तु अभिज्ञानवान भवती अमनस्थ सदा अशुचि सदा सुचि न सत्पद संसार चादि रक्षति। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा के अनुग्रह अनुग्रह की प्रक्रिया यही है कि आप अपने विवेक को और अपनी स्थिति को अलग मत रहने दीजिए, यदि आप अपनी स्थिति को अपने विवेक से अलग रहने देंगे, यदि आप अपने कर्म को अपने विवेक से अलग रहने देंगे तो विवेक और कर्म आपस में हमेशा द्वंद उत्पन्न करके आपको विवेक करते रहेंगे, विवेक अलग ये है परमेश्वर का अनुग्रह। आप अपने को कर्ता समझिए धर्म समझिए, ब्राह्मण समझिए धर्म समझिए, सन्यासी समझिए न्यास एवं तेरे तहत, इससे बड़ा तो और कोई धर्म नहीं है। ये विश्व की धर्मशाला में अद्भुत बात है कि रागोपाधिक धर्म का तो वर्णन सबने किया है,
वैराग्योपाधिक धर्म का बंधन किसी ने नहीं किया है। अंतकरण स्वभाव से ही किसी का रागी होता है, किसी का वैराग्यवान होता है। तो रागी को राग निवृत्ति के लिए अनेक साधन करने पड़ते हैं, और जो वैराग्यवान है उसमें उसके जीवन में निवृत्ति आनी पड़ती है। वैराग्य रागोपाधिध्याम आमनादो भय लक्षणा धर्म का ऐसा निरूपण विश्व सृष्टि में विश्व के किसी धर्म में राग प्रधान अंतकरण के लिए दूसरा धर्म, वैराग्य प्रधान अंतकरण के लिए दूसरा धर्म, देहाभिमानी के लिए दूसरा धर्म, अंतकरणाभिमानी के लिए दूसरा धर्म, ये नारायण। ये जो अधिकारी के भेद से धर्म की व्यवस्था है, देखो आप अयोध्या में जाते हैं सब राम राम, आप व्रज में जाते हैं सब कृष्ण। अधिकारी की दृष्टि से औषधि का विधान, औषधि की दृष्टि से रोग निवृत्ति का विधान, ये हमारे धर्म की शास्त्र की अपूर्वता है, पूर्णता है, पूर्णता। देखो यदि ये सभी आकृति ईश्वर की निश्चित कर दी जाए कि वो गोल गोल है, लंबा लंबा है, गोल गोल कालक्राम है, लंबे लंबे शिवलिंग है, शिवलिंग है, बोले नहीं भाई वो स्त्री की आकृति है, देवी है, तो वो पुरुष की आकृति है, शिव है, गोरा है, शिव गोरा है, विष्णु काला है, बोले ये क्या आकृति भेद कर दिया। इसलिए कर दिया कि आप आकृति को ही सब कुछ न समझ लें, जिस आधार तत्व में, जिस अनुष्ठान तत्व में ये आकृतियां बनती हैं, उनको आकृति में परिसीमित न करना। अब विदेशी लोग को आक्षेप करते हैं कि इनके देश ईश्वर भी नहीं है, ये तो बहुदेवतावादी हैं, परंतु ये नहीं समझते हैं कि आकृतियों का प्रकाशक, आकृतियों का आविष्कार एक है। ये समझाने के लिए कभी मनुष्य आकृति निष्ठरी न हो जाए, यही आकृति ईश्वर की है, तो ईश्वर कितना टुकड़ा हो जाएगा, कितना छोटा हो जाएगा। जब बोले निराकार ईश्वर है तो आकारों को बहिष्कार हो गया, एक कोने में ईश्वर को फेंक दिया कि नहीं, यदि ईश्वर निराकार है। आकृति में रहकर आकृति से निष्क्रांत है, यही निराकार शब्द का अर्थ होता है। आकृति में रहकर किसी आकृति से बंधा हुआ नहीं है, निराकार शब्द का ऐसे ही अर्थ होता है। आकार में रहकर आकार से निष्क्रांत एक परमेश्वर है, आकार भेद से परमेश्वर की एकता में कोई बाधा नहीं पड़ती, न रंग भेद से, न रूप भेद से, न आकार भेद से, न गुण भेद से, न स्वभाव भेद से उस परमात्मा का बाधा है। तो ये जो विचार का उदय है ईश्वर की कृपा से, ईश्वरानंद का है, वित्राणाम उपजायत है, ये परमेश्वर का जब हमारा अंतकरण अनुग्रह ग्रहण करने के लिए उन्मुख होता है, तब ये परमात्मा का अनुग्रह हमारे अंतकरण में आता है कि हम परमात्मा के संबंध में विचार करें। तस्मात् कार्यम् न वस्तुस्यात् कारणव्यतिरेकतः, कारण से व्यतिरेक कार्य में होता, कार्य से व्यतिरेक कारण में होता है, ये घड़ा में चाहिए कहिए, घड़ा में चाहिए कहिए, घड़ा में चाहिए कहिए, विवेक का तो उदय हुआ नहीं, घड़ा में चाहिए कहिए, घड़ा में क्या अलगाव है और क्या एकता है, ये विचार करना पड़ेगा। तो देखो खड़े का जन्म, खड़े की स्थिति है, खड़े का लय है, अस्य जन्मादि, अस्य घटस्य जन्मादि भवति, भूम्यतहा मृदादय है, अस्य जन्मादि भवति, तस्य जन्मादि न भवति। तो मृत्तिका में घट का व्यतिरेक है,
और घट में मृत्तिका का अन्वय है। घट की आकृति बिना मृत्यु के हो ही नहीं सकती, ये ठीक है। बिना परमात्मा के प्रपंच की सत्ता नहीं हो सकती, ये तो ठीक है। परंतु प्रपंच की सत्ता के बिना भी, प्रपंच के बिना भी जो अखंड सत्ता है, परमात्म सत्ता है, वो होते है। तो हमारे गुरु जी ने ये समझाने के लिए कार्य कारण सत्ता का, कारण का कार्य में अन्वय है और कार्य से कारण का व्यतिरेक है। व्यतिरेक है मैंने प्रकट हुआ है, तो आप तो जरूर ये कहिए कार्य कारण ये कहिए कार्य कारण ये कहिए, कारण से कार्य अभिन्न होता है ठीक है, परंतु कार्य से कारण अभिन्न नहीं होता। तो वेदन की स्थापना हुई ना, वेदांत सिद्धांत ये है कि अन्वय व्यतिरेक जो है ये जिज्ञासु को समझाने के लिए तो है, परंतु तत्वतः ये अन्वय व्यतिरेक है। अन्वय व्यतिरेक का भी निषेध है वो। अव्यावृत्ता ननुगतम, न वो किसी से व्यतिरिक्त है न किसी में अन्य है। अन्वय व्यतिरेक तत्व में नहीं है, अन्वय व्यतिरेक व्यवहार में है और वो जिज्ञासु को ब्रह्म समझाने के लिए है। उपासक आकृति विशेष को पकड़ लेता है, वहां उसका बंधन हो जाता है, योगी स्थिति विशेष को, क्योंकि परमात्मा और योगी ये दोनों स्वयं पदार्थ प्रधान है। परमात्मा और योगी दोनों स्वयं पदार्थ प्रधान है, उपासक तत्पदार्थ प्रधान है। इसलिए सब पदार्थ के आकार को पकड़ बैठता है उपासक, और ब्रह्म पदार्थ के विहित कर्म में आसक्ति हो जाती है कर्ता की, ब्राह्मण की, सन्यासी की। जिंदगी भर हाथ धोने के लिए नहीं है, हाथ धोने का जो फल है उसका अनुभव करने के लिए है। जिंदगी भर उनका कर्म शुद्धि नहीं करती है, और शुद्धि का फल मिल जाने के बाद उनका कर्म शुद्ध रहे ये बहुत आवश्यक है, स्वाभाविक रहता है। परंतु अंतकरण शुद्धि का प्रयोजन पूर्ति हो जाने के पश्चात अंतकरण शुद्ध ही रहे ये आग्रह, ये भी अद्भुत है। वेदांत का ये सिद्धांत अद्भुत है, तत्व ज्ञान होने के लिए अंतकरण शुद्धि साधन है, प्रयोजनीय है। अच्छा, और शुद्धि का अभ्यास हो जाने पर, संस्कार हो जाने पर, पड़ जाने पर वो रहती है, तो ये भी ठीक है न। परंतु वो रहे ही एक ये भी बंधन है, न कर्मणा वर्धते लोक ज्ञान एक नित्यो महिमा ब्राह्मण से न कर्मणा वर्धते तदपिमे उत्तर पूर्वाधयो अश्वेत विनाशो। जब उत्तराध को स्वीकार कर लिया, अधिगम होने पर उत्तराध को स्वीकार कर लिया, तो वो बात कहाँ गल। इसलिए कितनी बातें होती है जिज्ञासु के लिए होती है, संप्रदाय सत अनादि है क्योंकि अज्ञान अनादि है, इसलिए अज्ञान मूलक संप्रदाय भी अनादि ही होते हैं। तो ये कार्य कारण भाव जो है एक अवस्था विशेष में जिज्ञासु को कार्य कारण व्यतिरेक समझाने के लिए ये बताया जाता है। अब व्यावृत्ता अनुगतम कौन इसमें व्याप्त होगा, ये जो बिंदु शुक्री कहते हैं व्याप्य व्यापकता नित्या, द्वैत में ही व्याप्त व्यापक भाव होता है, परमार्थ में व्याप्त व्यापक भाव नहीं होता है। वहाँ लोहे का अलग, गोला अलग और आग अलग ऐसा नहीं है, वहाँ कार्य अलग कारण अलग ऐसा नहीं है। व्याप्य व्यापकता मिथ्या इसको ब्रह्म बोलते हैं। सर्वम मिथ्य से निश्चय हूँ एक प्रकरण ही ऐसे जो बिंदु पंचल में एक प्रकरण है, सर्वम मिथ्य से निश्चय हूँ शास्त्र पुराणाने कार्यम कारणम ईश्वर भूतम भव्यम भवच्चापि सर्वम मिथ्ये विनिश्चितो। ये मिथ्या का जो अनुष्ठान है, मिथ्या और अमिथ्या दो विभाग क्यों किया, क्योंकि तत्व ज्ञान होने पर
اور یہ تعلق ہو جائے گا بارش ہوگا. یہ کوئی سطح کا ایک ہی لکشن ہے ویوہار کا. اب آپ کارج کارن بھاؤ بھی کارج کی اپیچا سے کارنتو کلپت ہے, کارنت کی اپیچا سے کارجت کلپت ہے. یہ دونوں پرسپر ساپیچ ہو رہے تھے. کارج کارن بھاؤ ویدانت کو سویکار نہیں ہے. تسمات کارجم نہ وستو سیات کارن ویتریکتہ, کارن سے ویتریک, कारण से जुदा, कारण से अतिरिक्त, व्यतिरिक्त. जैसे सिवाय बोलते हैं ना, सिवाय कारण के सिवा कार्य नाम की कोई वस्तु नहीं है. किंतु कारण अनतम आसते प्रमृषा, क्योंकि ये कारण नहीं, ये कार स्वयं विभाति मृषई करते है. एक रस से वृषा एवं विवाद विभाति नास्ति विसंवाद आता है. ये तो सार्वजनिक अनुभव है, किंतु क्या ये पृथक सत्य के रूप में भास रहा है? पृथक सत्यता यदि आप विवेक से पृथक कर्म को नहीं रखेंगे, यदि विवेक से पृथक उपासना को नहीं रखेंगे, यदि विवेक से पृथक स्थिति का आप अभ्यास नहीं करेंगे नारायण, तो ज्ञान से पृथक ब्रह्म को भी नहीं रखेंगे, जीव को भी नहीं रखेंगे, जगत को भी नहीं रखेंगे. ये तो सब के सब ज्ञान स्वरूप ही है. किंतु कारण ये वही तब अमृतम भासते मृषा, ये रत्न 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 के करते अमृतात तपसो हो जाए. ये रत्न मृषा भास न भासते भी न भासते, किंतु मृषा भासते मृषा ही भासते. जो उपाधिक क्रांति होती है वो उपाधि के विवृत्त होने पर होती है. हम जानते हैं शीशा लाल नहीं है, लाल दिखता है पर क्यों दिखता है? लाल कागज का रखते हुए होने के कारण दिखता है. तो ये दुनिया दिखती है, क्यों दिखती है? अंतकरण से देखने के कारण अहम अंतकरणी, अंतकरण द्वारा हम देखते हैं. इसलिए ये उपाधिक क्रांति है. इसलिए जब तक अंतकरण रहेगा, शरीर रहेगा, तब तक आंख से रूप दिखेगा, कान से नहीं, कान से शब्द सुनाई पड़ेगा, आंख से नहीं. तो कारण में ये अनिर्वचनीय ही मृषा शब्द का अर्थ भी होता है. वो भी ये नहीं कि कहीं हिंदी हिंदी किताब में अनजान आदमी का लिखा हुआ पढ़ लिया, मिथ्या मिथ्या मिथ्या. बोले भाई ये घोड़ा भी नहीं है, कभी गधा भी नहीं है, सब भय भी नहीं है. घोड़ा गधा नहीं है तो क्या चक्कर? तो ये सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, सब क्या है? न सत है न असत है, सब क्या है? कुछ नहीं है. बोले नहीं, इसका नाम अनिर्वचनीय होता है. एक दशा से औपाधिक दृष्टि से जब हम देह में बैठ के अपने को देह में कैद करके जब हम देखते हैं, तब ये दुनिया मालूम पड़ती है सत असत नहीं हो सकती. जब हमारा देह सत है, हमारा मन सत है, हमारा अंतकरण सत है, तो संसार भी सत है. और बोले महाराज ब्रह्म में बैठ गए और देह अंतकरण आदि जो है नितांत असत हो गए, कल्पित हो गए, तब भी कल्पित है. तो ब्रह्म दृष्टि से इसको सत नहीं कह सकते और उपाधि दृष्टि से इसको असत नहीं कह सकते. अतः इसको सदसद विहाम अनिर्वचनीय तत्वा न्यत्वा विहाम अनिर्वचनीय बोलते हैं. न तत्व है न तत्व है, एक दृष्टि से तत्व है
एक दृष्टि से अतत्व है, तो इसको तत्व कहे कि अतत्व कहे का बल तत्व निर्वचन करो, जो जहाँ बैठा है उसको वहां से बैठा देता है। तो नहीं, हम तो चाहते हैं कि हम तो जिंदा रहे और दुनिया का प्रतिभास ना हो। हम भाई बिना प्रतिभास मिटाए दुनिया है नहीं, इस बात मानने को राजी नहीं है ना। मैं तो योगाभ्यास करो है ना, अक्षर होता न भाषते, इंद्रियों का निरोध कर लो, इंद्रियों का निरोध कर लो, ध्यान नहीं होगा। जब ध्यान से तुम्हारा इतना द्वेष है, ध्यान के विषय से द्वेष है कि ध्यान से द्वेष है, ये तो बोले भाई यदि बिल्कुल ही झूठ होता तो इससे अर्थक क्रिया कैसे होती। नन घटादि सत्य है, क्यों जलाहरणाद अर्थक क्रिया कार्यवाद, इस सत्य की इतने परिभाषा मानते हैं वो, जिससे काम निकल जाए उसका नाम सत्य, जो अबाधित हो उसका नाम सत्य है, ये तो है वेदांत। और जो अपने कारण में लीन है और समय पर निकले उसका नाम सत्य है, ये है सांख्य का, रामानुजाचार्य का, मध्वाचार्य का। आप उनकी ये विलक्षणता देखिए, मध्वाचार्य कहते हैं कि ये जगत तो भगवत रूप है, ये भगवान में से निकलता है, भगवान में रहता है, भगवान में समा जाता है, और जी वो जन ये तो नित्य अस्वतंत्र है, जीव भगवत रूप नहीं है, जगत है, तो मध्वाचार्य कैसे मानते हैं। क्या उनका भी संप्रदाय है, ही आदि संप्रदाय है, वास्तु करना संजय सकाय नित्य दासा ब्रह्मदासा पहले संप्रदाय करने को, तो उस संप्रदाय की चर्चा करते हैं जो दुबई दुबई क्रांति को स्वीकार न करते, इसमें भी कारण है, किसके ऊपर कौन होना चाहिए, किसके ऊपर कौन होना चाहिए, किसके ऊपर कौन होना चाहिए, अंतर अंतर तो कारणावस्थायित्वम सत्यत्वम, अर्थ क्रियाकारित्वम सत्यत्वम, अबाधितत्वम सत्यत्वम, अपनी अपनी परिभाषा के अनुसार सब लोग सत्य बनाते हैं। अब बोले भाई अमृत में भी अर्थ क्रिया होती है, जो सत्य नहीं है और कैसे कृष्णाणव चूर भेक्षा, चूर का जो भय है वो अंतकरण की एक क्रिया है, और भय अंतकरण में पलायन बाहर है, भय पलायन दोनों क्रिया झूठ में चूर प्रतीत होने पर होती है। इसलिए एक आदमियों में ये तत्वात्मक न होने पर भी हम दुर्बंत बात क्रिया, ये भाषा है तो भाषा है और काम करे तो काम करे, करने दो उनको। देखो एक ज्ञानी पुरुष का उद्गार है, अद्यास्तमेतु बपुरा शशिता रमास्ताम नैतावतापि मम चित्तपुषो विशेषः कुम्भे विनश्यति चिरं समवत्कृतेवा कुम्भाम्बरस्य नहि को विशेष देशः। ये शरीर आज भी नष्ट हो रहा है, अथवा जब तक चंद्रमा तब तक ये बना रहे, आज मरे कि कल्पांतर में मर जाए, कल्प वर्जन करे, जिससे मेरे चित्त बहु में कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता। विशेष माने भेद, विशेष माने अंतर, जो विशेष माने भेद, जिसमें विशेष होगा उसी का दूसरे विशेष वाले से एक विशेष वाले का भेद होगा, और जहाँ विशेष ही नहीं होगा वहाँ भेद नहीं होगा,
तो क्रिया से भेद नहीं है ये कहने के लिए निष्क्रिय है, गुण से भेद नहीं है इसके लिए निर्गुण है, विशेष से भेद नहीं है इसके लिए निर्गुण है, और धर्म से भेद नहीं है इसके लिए निर्धर्मक है। तत्त्व भेदों की व्यावृत्ति के लिए माने उनके निषेध के लिए, माने निषेध माने क्या, दुनिया से मिटाने के लिए नहीं, निषेध माने दुनिया से मिटाना नहीं होता, बुद्धि में जो उनके होने का भ्रम बैठा है उस भ्रम को दूर करने के लिए। ये जो है खाल शुक्र बंधु बार कर गया, और हट मालूम पड़े, हट्टी का गला मालूम पड़े, सन्निवेश उपाधि जाने गच्छत्येव घटादिभिः विवेकिनां तु वस्तुत्वं घटादीनां निवर्तते। जब वो सन्निवेश जो उसमें बना है, ये अवयव ये सब एक है, ये इसकी पेड़ी है, ये इसका गला है, जब उपाधि हान हो जाता है तो घटादी जो बुद्धि है यानी घटादी की जो क्रांति है वो निवृत्त हो जाती है। परंतु विवेकी पुरुष के लिए तो घटार खट रहते थे भी वो मृतिका भी है, उससे पानी भी भर लेंगे हो, घट में तो शराब भी भरा जा सकता है और गंगा जल भी भरा जा सकता है, तो घड़ा है तो उसमें पानी भी भरा जाएगा, उसमें शराब भी भरी जाएगी, वो तो ठीक है, परंतु मृतिका से पृथक ये पूरी सत्य है ये भ्रांति मिट जाएगी। घट शराब इत्येवं वाचैवारभ्यते वृथा मृत्युकेते सत्यं स्यात् न तु सत्यं घटादिकम्। ये जो भागवत लोग कहते हैं तो सत्य को पहचानने के लिए जो सहज है जो स्वरूप है उसको पहचानना पड़ता है, तो ये खड़ा है और ये सकोरा है, बोले ये जबान से नाम अलग अलग लिया जाता है, मृत्यु के तेव सत्यम दोनों में मृत्यु का ही सत्य है, मृत्यु शब्द है ना, मृत्यु मृत्यु है मैटर जिसको बोलते हैं, ये मृत्यु का मैटर है, मैटर देखो सकल सूरत मत है। एक महिला घर में वो कहीं हो कहीं एक स्थान से दो टुकड़े करते रहे, देखने वाले दुकानदार ने बताया कि इसकी कीमत 50 रुपया है और इसकी कीमत 100 रुपया है, तो उन्होंने ये देखा कि एक जो कीमती है वो हमारे नित्यानंद जी महाराज गए, उनको कालीन खरीदना था, कालीन नित्यानंद में बहुत बढ़िया खरीद, वहां बहुत से कालीन उन्होंने खरीदे, सबका आयात हुआ। जब राज्य ने उनके दीवान में मंत्री ने देखा तो महाराज ये तो हमारे यहाँ का बना हुआ है, आप विलायत से ले आए हैं, इतना बढ़िया कालीन हमारे यहाँ बनता है, बोले कि देखो महाराज अपना लेवल लगा हुआ है, हमारी चीज तो वही है, नाम अलग रंग अलग रंग खोद दिया हो, एक कपड़ा होता है उसमें रंग नहीं करते, तो आपको रंग पसंद है कि कपड़ा पसंद है, आप रंग देखते हैं कि कपड़ा देखते हैं, तो ये सब दुनिया में रंग है, ये आकृति है, ये सकल सूरत है, इसके ऊपर जो तत्व है वो तत्व देखना दूसरी चीज है, और आपके काम में फंसना थोड़ा बहुत, हाथ में फंस गए, नाक में फंस गए, कान में फंस गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया, हमारे हमारी आंख यहाँ फंस गए, इसका अच्छे दृष्टा जी हैं, ये दृष्टा जी हो राजे बहादुर जाना सांस मानता है कि कहीं राजद में किसी भी आकृति में किसी भी रंग रूप में राज नहीं, ये ध्यान रखता
ये सावधानी रखो कि दृश्य तो दिखे परंतु उसमें राग द्वेष ना हो और आगे बढ़ते ध्यान सांख्य दर्शन का ये सूत्र है। तो प्राचीन भारत का तदनन्यत्र आरंभन शब्दा विद्या ये है हमारे ब्रह्मसूत्र का तदनन्यत्र आरंभन शब्दा विद्या वाचारंभन विकारो नाम देय अरे भाई ये विकार है कार्य है तो भाई भूल प्रक्षेप मत करो। जब वृद्धि के तेरह सत्यम बोला गया तेरह सत्यम तो अन्यथा सत्यम तो ये बात तो वाचारंभनम असत्यम ये तो अपने आप ही निकल जाएगा। वृद्धि के सत्यम लोहित सत्यम न तो सत्यंगनादिकुति जो है वो कहते हैं प्रकृति भी दूसरी चीज नहीं है प्रकृतिष्ठ प्रकृति भी वही है उसी का एक नाम प्रकृति है। तो भाई ये आपने जो सिद्ध किया कि हट मिथ्या है और मृत्यु का सत्य है इसका तात्पर्य क्या है एवं आत्मन उत्पन्नम प्रतिद्यात्मन ये यथाशास्त्र विचार्यता पृथक सत्वस्ति किंत्रात्मन आरोपा प्रतिभास सत्वस्तु ही आत्मन तत्व तस्मिन भूमियादि कल्पना पृथिव्यादीनि संतीति भासते तत्तदिन्द्रिये भाई किसी प्रकार आत्म वस्तु पहले भी थी उसके सामने दुनिया देखने लग गई। जब अन्य को सदवस्तु मान करके विचार करते हैं तो कार्य कारण भाव की प्रक्रिया काम देती है सदे शून्य अग्रे आसी और जब आत्मा को तत्व मान करके विचार करते हैं तब तब दृष्टा दृश्य भाव की प्रक्रिया काम देती है। ये वेदांतियों में 16 स्थान 22 कचेरी नहीं है सत्य में कार्य कारण भाव कल्पित है और त्रिमात्र वस्तु में दृष्टा दृश्य भाव कल्पित है और सद वस्तु और त्रिमात्र वस्तु पृथक पृथक नहीं है अद्वितीय है। जो त्रिमात्र है वही सद वस्तु है जो सद वस्तु और ब्रह्म में विवर्त की प्रक्रिया है ब्रह्म में विवर्त की प्रक्रिया है ब्रह्म में विवर्त त्रिमात्र में दृष्टा दृश्य और सदवस्तु में कार्य ये सदवस्तु का विचार करेंगे और दृष्टि सृष्टि बात लगाएंगे नहीं लगेगा गलत लग जाएगा। जब दृष्टा दृष्टि का विचार करेंगे तब दृष्टि सृष्टि लग जाएगी और ब्रह्म का विचार करेंगे तब उसमें जीवन एक अम्बिता जीवन रूप विश्वास तो अब ये आत्मा से उत्पन्न जो पृथ्वी आदि है वो आत्मा में नहीं है न आत्मन पृथक वस्तु अस्ति किंतु आत्मनि आरोपा प्रतिभासत है किंतु आत्मा में आरोप से भासित होती है। ये भान से किसी वस्तु का पृथक होना या तो धान का लोक हो या तो वस्तु का लोक हो धान का लोक कभी हो नहीं सकता क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप है। किसी के वेदांतियों ने निर्विक निर्विकल्प समाधि को स्वीकार भी नहीं किया है वो प्रस्थान दूसरा है वो योग का प्रस्थान दूसरा है योग की दृष्टि से निर्विकल्प निर्विक निर्विक समाधि होगी चले वेदांत का विचार करने चले और उसमें निर्विक समाधि घुसा लिया इसका अर्थ हुआ कि वेदांत जो है वेदांत पूरा है वो योग से पूरा होता है बिना उपासना के ज्ञान हो ही नहीं सकता इसका मतलब वो उपासना पराधीन हो गया ना उपेक्षा उपासना सापेक्ष हो गया ज्ञान इसलिए बाबा ये तो क्षण मात्र के लिए भी यदि अंतकरण हो गए और उस शुद्ध अंतकरण में
வாக்கிய பிரமாணஜன்ய மகாவாக்கிய பிரமாணஜன்ய பிரமாதாவுடைய மாத்திரமே நீ அவித்யாக்கு நிவர்த்தி போகிறது. பிரமா தெரியும் பிரமா அவருக்கு பாத் பிரயோஜன திருப்தி சே பாத் ஹோ ஜாத்தா ஹே புத்தி கா பி பாத் ஹோதா ஹே இஸ்கோ பிரயோஜன திருப்தி சே பாத் மாத்தே நா உஸ்கே பாத் கர் தியா நா உஸ்கோ தியா ஈகா கர்னே சே நாட்டு கர் சங்கர் கர் நந்தி கர் நிகல் கே और फिर उसका निकाल दिया वो पूजा करने ले जाने के लिए नहीं है. சதுவஸ்துவியாத்மனஸ்தத்வம் தஸ்மின் புண்ணியாதி கல்பனாத் பிரதிஜ்ஞாதீனி சந்திதி பாசதே தத்ததிந்திரியைஹி. அப்போ உன் இந்திரியோ சே விஷய பாத்தே ஹே ஔர் உன்மே ஜோ ஆத்ம சத்ய ஹே உன்கா ஆரோப் ஹோ ஜாதா ஹே.